बाबा के बहादुर पैसा जमा करने आए हो का? ना, लूटने आए हैं। बड़ी कृपा आपकी, कुर्सी से बांध दीजिए और लूटने के बाद कमीशन घरे पहुंचा दीजिएगा। ठीक बा। कमीशन का होता है बाके भैया? मालूम होता तो इसकी तरह बैठ के यहाँ दरबानी ना करते, चोरी डकैती ना। ए, बांध इसको। बांध। चिंता का कोनो बात नहीं है थानेदार साहब। माताजी का पहचान पत्र नहीं है तो क्या हुआ, अकाउंट खुल जाएगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो गोली मार देंगे। अरे ये क्या हो रहा है? मुन्नी भाई कम बुझरा, जल्दी से बैंक का सारा माल लाकर हम पर निछावर कर दो, नहीं तो खपड़िया खोल देंगे। अरे रुको 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 रुको, अरे भाई जो भी है इनको दे दो। कोई नहीं लेगा, ये तो बहुत ही कम है। ये ग्रामीण बैंक है, शहर के कोनो बड़का बैंक नहीं। अच्छा अच्छा, चल बे केकड़ा पंडित, भागते भूत के लंगोटी ही सही। ठीक है बाके भैया, चली। गलती हो गई, ये जहाँ था वही रख दीजिए, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के काम आएगा। अरे थानेदार साहब, आप रंजीत सिंह के इलाके में डकैती? अरे शंकर। यस सर। बांधो सबको जीप के पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद थानेदार साहब, आपकी वजह से हमारा बैंक लूटने से बच गया। है मैं धन्यवाद के का बात है, पुलिस तो होता ही है जनता का सेवा करने के लिए। रंजीत सिंह आज किसको पकड़ा? अरे बाप रे बाप, ये तो सारे सब अपने आदमी हैं। आज फिर जेब कटी। अब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोरा बाहर आना।
भाग भाग साला। दरोगा जी हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा हुजूर, माई कसम। हमको छुड़वाइए जोग सिंह। दरोगा जी प्रणाम। प्रणाम। कितना बार तुमको कहे कि पढ़े लिखो को काम पर लगाओ। ये सारे अनपढ़ कभी पेट्रोल पंप लूटने में पकड़े जाते हैं तो कभी बैंक लूटने में। इस बार 10,000 लेंगे सलाह और बेईमानी का कीमत, नहीं तो चालान काटेंगे। अब दरोगा जी 10 की जगह 15,000 ले लीजिए, लेकिन रिपोर्ट मत लगाइए, वो का है थाना से ज्यादा कचहरी में खर्चा हो जाता है नू। ले। कुछ लोगों के चलते अपना देश हुआ बदनाम, ड्यूटी अपनी भूल के देखो बेच रहे ईमान। भैया हे भैया हे भैया, ये है हिंदुस्तान, देश को लूट रहे जी। कानून के आंख में काला पट्टी और रंजीत के आंख में काला चश्मा, हम का देखो भैया, ये है हिंदुस्तान, यहाँ पर एक एक बेईमान। बैकवम का भाई साहब, अबे तेलवे खत्म हो गया, अब ये व्यवस्था करते हैं। देख देख व्यवस्था कर। चोरी रोकने की जिनको मिली बागडोर है, चोरी क्या रोकेंगे वही सबसे बड़े चोर। गा रहा है, दिनोदी हो गया काबे, दिखाई नहीं दे रहा हम का कर रहे हैं। ले चल के थाना में इतना ठुकैया करेंगे ना, सारा बकैती भूल जाओगे। चोरी क्या रोकेंगे साले सबसे बड़े चोर हैं, खाते खाते मरे लुटेरा, भूखो मरे किसान। भैया हे भैया हे भैया, ये है हिंदुस्तान, यहाँ पर एक एक बेईमान। ये लो हमारी तरफ से। अरे भैया आप बंद करो, अब बस आने का टाइम हो गया है। अरे क्या बात करते हो, बस एक और दाव यार। अरे आज का दाव तो हमारा, देख लेना साला, बस हम ही लूटेंगे। हल्ला काहे को करते हो जोखम भाई, जिसके पिछवाड़े में गुर्दा होगा वो ही बसवा को लूटेगा। अरे बस आ गई, चलो है? का पटाका हो गया जोखम, तू जा, तू बस लूटी है, हम इसको लूटेंगे। ए चल रे साला, सुधरेगा नहीं, चल रे। कौन भैया? भैया ना सैया सैया। What? नहीं कुली 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 है। हमको कोई कुली वुली नहीं चाहिए, हम रिक्शा पकड़ के चल जाएंगे। अरे मैडम यहाँ दूर दूर तक कोई रिक्शा विक्शा नहीं मिलता है, हम ही लोग हैं, ये सारा सामान लेके पैसेंजर को सेवा करता है, कुली है। ठीक है उठाओ सामान। चल उठाओ उठाओ। कहाँ ले चले मैडम, कोठरी में कि खेतौरी में? मैडम ये हाथ मारे के लिए नहीं, वदन सोहराने के लिए होता है। अच्छा पकड़ पकड़ पकड़। अरे कहाँ भागी है, रुक रुक रुक। अरे चले लड़की को छोड़ दो भैया, बचाओ बचाओ। कौन है रे?
फिर हम हैं बाप तुम्हारे, नाम रामलोटन पाणे, नाम रामलोटन पाणे, नाम रामलोटन पाणे। देखो भैया, हम एक बार और कहते हैं, छोड़ दो लड़की को, नहीं तो मजाक मजाक में हम बहुत मारते हैं। शुक्रिया पांडे जी, इन गुंडों से हमारी इज्जत बचाने के लिए। बाय द वे, माई सेल्फ सोनल त्रिपाठी। वो सब तो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन सरकार कहती है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मतलब? मतलब आप भी जरा तोप ढांक के चला करिए, ऐसे दर्शन कराएंगी तो भक्तगण तो जुटेंगे। बड़े अजीब आदमी हैं आप। ऐसे ही हम पांडे, राम लोटन पांडे। जुल्म नहीं सहते हैं, गुंडों से कहते हैं, याद रखो हम ही हैं राम लोटन पांडे। नहीं सहते हैं, गुंडों से कहते हैं, याद रखो हम ही हैं राम लोटन पांडे। राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे। अरे चोरों से नफरत है, वर्दी की हसरत है, याद रखो मजाक मजाक में बहुत मारते हैं। राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, अरे राम लोटन पांडे। किसी ने बनाया है फर्ज, इस मिट्टी का हम तो चुकाएंगे, धरती के बोझ है जो उनको मिटाएंगे। हाँ, फर्ज को निभाएंगे, देश को बचाएंगे, वर्दी जो पाएंगे राम लोटन पांडे। राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे। मौत से भी डरते हैं, बिंदास रहते हैं, हमें देखो हम ही हैं। अरे बोलो राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, अरे राम लोटन पांडे। जियो जियो जियो
बताइए पे। बाबा महाराज जी, ये बस लूट का माल है महाराज जी। प्रणाम। बैंक ना लूट पाए तो घर बेच कर लाए महाराज। छापा पड़ गया था, पूरा खोवा और दूध पकड़ा गया। ये स्वीकार कर लें, कुछ और इंतजाम कर देंगे। ओहो, आज शैतान के घर में साधु कैसे पधारे? हम ले आए हैं बाबा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। जगन सेठ बाबा का आशीर्वाद लीजिए। बाबा एडवांस है कमीशन का, बाकी तो आते ही रहेगा। अरे कहां से आता रहेगा, ठेकेदार का कोनो एक बाप होता है का? जिसको देखो मूठा चला आता है, सर्वा मरवाएगा। महेंद्र तू कल आया रे? लाया नहीं महाराज, तो मार खा के आया है। पहले मारने वाले को मार, फिर जखम पे दवा लगा, वरना गाल नहीं कुछ और चलेगा। दीवारी जी, समझा जगन को, समझा कि बंडल मोटा करे, वरना मूसर घुसेगा कहां से और निकलेगा कहां से? न तुमको पता न हमको पता। क्षमा बाबा। जय मां काली। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहे विदाई जी, वो तो आपकी खातिर चुप है, नहीं तो न तो का कर लेते का कर लेते आप, उखाड़ लेते। ज्यादा गर्मी मत दिखाइए, बड़ा गर्मी आ रहा है तो जाइए चुपचाप मूतिए और मूत के रास्ता नापिए, समझे आप? एक मौका आने दीजिए, एक गोली में 27 चीख निकलवाएंगे। घंटा घंटा करेंगे आप, बतिया रहे। अरे ओ मास्टर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, का हाल चाल है मुखिया? एकदम बढ़िया मास्टर जी, वैसे भी इस बार का सट्टा पहले साल से ज्यादा है। आपके बिटुआ के दरोगा बनने का 60,000, नहीं बनने का 50,000। आपको दरोगा बने या ना बने, अपना तो 20,000 पक्का है मास्टर जी। और दुर्भाग्यवश तुम्हारा बेटा दरोगा नहीं बना तो ये सट्टा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दुर्भाग्य तो इस गांव का है जो तुम जैसे मूर्ख को मुखिया बना दिया। इंटरव्यू तो होने दीजिए मास्टर जी, पता चल जाएगा मूर्ख कौन है। बेटा दरोगा बनाना तो पहला डंडा किस पे बरसेगा, उसका नाम हम अपने लाल डायरी में लिख दिए हैं। छट्टू महाराज ने भी तुम्हारे बेटवा का नाम अपनी डायरी में लिख लिया है, अब तो उसे दरोगा नहीं ना बनने देगा। छट्टू महाराज, अरे राम भैया हमरे आने से पहले शुरू कर दिए। का करें बे, तुम्हारा इंतजार करें है? तो और हाँ बोलिए। कहाँ घूम रहा है अपने से भी बड़ा चश्मा लेके? अरे भैया ये ऐसा चश्मा है ना, ये लगाइएगा ना पूरी दुनिया एकदम खूबसूरत खूबसूरत दिखेगा।
अच्छा हाँ ऐसा क्या बे? अबे कहाँ से लिया बे? कस्बा से। एक्सक्यूज मी। अब अरे आप यहाँ? हम यहाँ मुखिया जी के आए हैं। एक्चुअली मुखिया जी हमारे जीजा जी और हम उनकी साली लगते हैं। अच्छा अच्छा पाणी जी अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपका एक फोटो खींच लें। कैमरा टेस्ट करना था। हाँ खींचिए खींच लीजिए खींचिए खींचिए। तो एक काम करिए खड़े हो जाइए थोड़ा मंदिर वंदिर आएगा तो अच्छा लगेगा ना। खड़े हो जाइए। हाँ ये लीजिए। एक काम करिए पाणी जी चश्मा लगा लीजिए फोटो अच्छा आएगा। नहीं 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 आप ऐसे ही निकालिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। अरे अरे लगा लीजिए ना लगा के पावर स्टेशन देखिए। चुप मारेंगे साले अभी। निकालिए निकालिए आप ऐसे ही निकालिए। अरे का बतिया रहे हैं आप लोग लगाइए ना चश्मा वहाँ पाणी जी अच्छा लगेगा। चश्मा लगा लेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आप एक काम कीजिए ऐसे ही निकालिए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा चलिए चश्मा लगाइए। चलिए आप नहीं मानिएगा तो निकालिए। हे भगवान एक नंबर के बुड़बक हैं आप। देखिए पाड़े जी इसको ऐसे नहीं हे भगवान कहाँ फंस गए ऐसे लगाते हैं। सारे के सारे एक नंबर के छिछोरे हैं। अद्वारिया ए बहिरा। अरे काहे गटाई फाड़ रहे हैं कौनो काम है का? अरे कब से अद्वारिया के दातून लाने को बोलत हैं ये बहिरा सुना ही नहीं रहा है। रुकिए हम बोलत हैं यह भी ना का बात है। अरे बहिरा अद्वारिया जाके दातून तोड़ ला। इतना चिल्ला कह रहे हैं कान का पर्दा फट जाए तो बहरा हो जाएंगे ना। ठीक है ला रहा हूँ। गांव के लड़के ना एक नंबर के लुच्चे और लफंगे हैं मिल जाए ना तो एक एक तो गोली छोड़ा दूं मैं। अरे सोनू। हाँ दीदी क्या बात है किसका इतना तारीफ कर रही हो? अरे दीदी इस गांव के लड़के ना एक नंबर के लुच्चे और लफंगे हैं। क्या बात है छेड़खानी किए का दीदी? अरे इनके छेड़ने से तो पता चला था कि हम खूबसूरत और जवान है। अच्छा हाँ क्या बात है क्या बात है का है तुम्हारे हाथ में कुछ ना? अरे दीदी फालतू चश्मा है लगाएंगी ना तो आंख वाख खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं बस अरे, हम देखेंगे थोड़ा। अरे अरे, अरे, अरे नहीं तो। दीदी बड़ा अच्छा है। नहीं दीदी अगर आप भी चश्मा लगाएंगी ना तो अंदर का सब कुछ नजर आ जाएगा। अरे क्या बात है तब तो बहुत बढ़िया है। अरे हम तुम्हारे जीजा जी को ना इसको लगाकर अंदर तक देखेंगे बड़ा मजा आएगा। भगवान कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। अरे सोनू जरा एक साथ तो चली जा नहीं तो नीम की जगह खजूर का दातून तोड़ लाएगा पगला। एक आप कम थी का जो बहरे को भी रख ली पकड़िए अब हम इनको लगा के इनको देखेंगे। पतला वाला तोड़ ये मोटा साइज का अंदर नहीं जाएगा रे। अरे ये बहिरा पतला तोड़ पतला एक नंबर का बहिरा है लगता हमको ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं जीजा भी ना कम कंजूस नहीं है फ्री में मिला तो बहिरे को ही रख लिए। मर भैरा हे भगवान यहाँ तक तो चढ़ गए अब ऊपर कैसे चढ़े। हे देवी माँ अब थोड़ी मदद करो ना हमारी। भगवान अरे अद्वारिया अरे अद्वारिया बहिरा सीढ़ी कहाँ लेके जा रहा है मैं उतरूंगी कैसे। अरे सुन ना अरे अद्वारिया अरे कुत्ता सुन
सुने थे देख पहली बार रहे हैं। ये कुत्ता किसको बोली? अरे अपने आप को। अच्छा तो ठीक है, कुतिया बोलो, कुत्ता कहे बोलो। अरे सुनिए ना, अब आप आ ही गए हैं तो हमको नीचे उतार दीजिए। क्यों, उतरना नहीं आता तो चढ़ी कैसे? अरे हम चढ़े तो सीढ़ी से थे, लेकिन वो बहरा हमरा सीढ़ी लेके चला गया। अब आप ऐसे टुकड़ टुकड़ हमरा मुंह का देख रहे हैं जी, आइए ना ऊपर चढ़िए, हमको नीचे उतारिए। अरे हमको चढ़ना नहीं आता। हे भगवान, ये कैसा आदमी है, इसको चढ़ना नहीं आता। अरे तो जैसे तुमको उतरना नहीं आता वैसे ही हमको चढ़ना नहीं आता। एक काम करो, कूदो। हाँ? और हम पकड़ते हैं, अगर पकड़ में आ गई तो ठीक, नहीं तो चढ़ने उतरने का झमेले खत्म। चलो कूद जा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है तब जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सुनो ना सुनो ना। हे भगवान, अब तो लगता है हमको नीचे कूदना ही पड़ेगा। अच्छा कूदोगी? हाँ तो कूदो। हे भगवान, कूद जाओ कूद जाओ, हमारी रक्षा करना भगवान। कूदो कूदो, डर लग रहा है, आंख बंद कर लो, कूदो कूदो। इल हम कहाँ पकड़ेंगे, अरे जब पेड़ छोड़ेगा तब ना। अरे छोड़ दिया। हाँ बच गई। लेकिन एक बात बताओ, तुमको कपड़ों से दुश्मनी है कि कपड़ों को तुम्हारे जिस्म से दुश्मनी है? कपड़े तुम्हारे बदन पे टिकते ही नहीं। We'll be right back.
बनी हुई है। है दोष इसका दीवानी हुई है, बेलगाम इसकी जवानी हुई है। इसको है प्यार की बीमारी, इसको है प्यार की बीमारी, कोई ना गलती हमारी मैं क्या करूं, कोई ना गलती हमारी मैं क्या करूं। सखी मैं क्या करूं, हाय सखी क्या करूं, सखी मैं क्या करूं, हाय सखी क्या करूं, छटी पे चल गयो आदि मैं क्या करूं, इतना हट गयो आदि मैं क्या करूं। बेटा के नाकामी का दर्द देखा नहीं जाता है, इस बार आप अपनी कृपा उस पर कर दीजिए मां। एक बार दरोगा बन जाए मां, हम अपने जीते जी देख लूं तो स्वर्ग मिल जाएगा मां, स्वर्ग मिल जाएगा। हे मां, आपने हमें अपने आशीर्वाद से सब कुछ दिया, हमारी हर इच्छा पूरी की है, बस एक ही गो इच्छा बाकी रह गई मां, हमारे बच्चे को वर्दी दिला दो, वर्दी दिला दो मां, हम जिंदगी भर आपके चरणों पर अपना माथा टेकेंगे मां। हे देवी मैया, हमने के ऊपर उपकार करें मां। अच्छा माँ, हम चलते हैं, नहीं तो बस निकल जाए। ठहरा, हाय दही चीनी खा लो, बड़ा शुभ होला। एगो बात याद रखना बेटा, सब सवाल का जवाब खूब सोच समझकर ध्यान से देना। ठीक है माँ। खुश रह। अच्छा बाबूजी, खुश रहो बेटा, हमारा दिल का विश्वास बोल रहा है कि नौकरी तुम्हारे लिए रखा हुआ है। मुखिया का बात हमारे दिल पे लग गया बेटा, इस बार बर्दी लेकर आना। हम पूरी कोशिश करेंगे बाबूजी, आपके उम्मीद पे खरा उतरे। अच्छा चलते हैं। जा बेटा। बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी, बुढ़वा मलाई खाए। अरे भैया, राम भैया, राम भैया, आपकी नौकरी पक्की होने पर हमने 10,000 का सट्टा लगाया है भैया, बड़ी मेहनत का कमाया रुपया है भैया, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा 10 का 20 हो जाए भैया। जी में आता है, इतना जूता मारे साले कि परमानेंट टकले हो जाओ, पर क्या करें, गांव वालों पे हाथ ही नहीं उठता हमारा, बेरोजगार पे रोजगार करते हो, शर्म नहीं आती, सट्टेबाजी करते हो। ए राम भैया, इंटरव्यू में फेल हो जाइया, 15,000 का 30,000 हमका मिलेगा। एकदम बेवकूफ हो क्या, अरे भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी नौकरी लग जाए, 30 का 60 तुम हमसे ले ले। अरे पागल हुआ का, पिछले साल बाढ़ का पैसा तो सरकार दिया नहीं, तुमको नौकरी कौन देगा। का हो पाड़े जी, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो का। चलो अब तुम भी बता दो, तुम कितना सट्टा लगाई हो हमारे नौकरी पे। अरे हम कौन सट्टा ना, अपना जिंदगी लगाए हैं। अरे पागल हो क्या तुम, ये क्या कर रही है। ये गुड लक है, देख लेना आज तुमको कामयाबी जरूर से जरूर मिलेगी। हाँ पाए लागू महाराज जी, मास्टर का बिटवा सोहर जा रहा है, अपना पिछला हिसाब बराबर कर लीजिए। क्या हुआ कंडक्टर साहब, देख नहीं रहे हैं आगे चेकिंग चल रही है,
हाँ पेपर तो तुम्हारा कंप्लीट नहीं है भाई, ये सब फोटोकॉपी लेके घूमते हो। जय हिंद सर। हाँ क्यों, ये गाड़ी ससुर ने दिया है का? बड़ा कलरफुल गाड़ी है तुम्हारा। सर थोड़ा जल्दी कीजिए ना सर, वो क्या है सब लोग परेशान हो रहे हैं सर, और हमको भी दरोगा का इंटरव्यू देने जाना है। अरे आपके जल्दी कहने से सरकारी काम प्राइवेट तो नहीं ना होगा ना, और दरोगा का इंटरव्यू देने से कौन सा नौकरी कन्फर्म हो जाएगा? करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए हमारा ही थाने में आना पड़ेगा। चलिए निकलिए, हमको काम मत सिखाइए। दरोगा का इंटरव्यू। अरे उधर रामधने। जी सर। मिला क्या? अरे वो रहा साला। चल जल्दी कर, पेपर निकाल। आगे बढ़ बेटा, पता चल जाएगा कौन ऊंट है और कौन पहाड़। ए, चल दस साले के ऊपर। भैया रामलोटन पांडे का नाम तो नहीं बुलाया ना? घंटे भर से तो बैठे हैं, कहाँ किसी को बुलाया जा रहा है। कहें अब का मालूम। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूरी काम है का? इंटरव्यू देना है। बाहर बैठो, बुला लेंगे। एक घंटा से सब बाहर ही तो बैठे हैं, और कितना बैठे तो चल जाओ, रोका किसने है? देखिए आप लोग इंटरव्यू लीजिए या मत लीजिए, नौकरी तो आज हम लेके जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है श्रीवास्तव जी, ले लीजिए इनका भी इंटरव्यू, शौक पूरा हो जाए इनका भी। आइए। थैंक यू सर। घर से निकले थे तो माँ को देखे थे? जी सर, आशीर्वाद भी लिया था पांव छूकर। क्या छूके निकले थे? पांव। किस रंग की साड़ी पहन रखी थी माँ ने? लाल। उम्र क्या होगी माँ की? 48 साल। पहनती है कि नहीं? पहनती है। बहुत कुछ जानते हो अपनी माँ के बारे में।
जितना माँ अपने बेटे के बारे में जानती है, बेटा भी माँ के बारे में उतना ही जानता है। पूरा नाम बोलो। रामलोटन पांडे। बाप का नाम? दीनानाथ पांडे। उनके बाप का नाम? कामता पांडे। उनके बाप का नाम? उमाकांत पांडे। अच्छा, कैसे बता सकते हो कि आप सभी अपने बाप के बेटे हो? पता तो चल गया होगा तुमको कि हम अपने बाप की ही औलाद हैं। अब तुम जाके अपने मां से पूछना कि साले तुम कितनों की औलाद हो। हम जैसे बच्चे यहां आते हैं थिरनट्टा लेने, लेकिन तुम जैसों की वजह से गांव जाकर कट्टा उठा लेते हैं। उठाएंगे कट्टा, हम भी उठाएंगे, और तुम जैसों को तिलचट्टा बना के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कैंडिडेट जो भी अभी बाहर गया है, इसका पूरा नाम, पता और थाना 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी टेबल पर होना चाहिए, समझे? जी सर। कार है साइकिल चोर। साइकिल ही लौटाने जा रहे थे हम। जरूरत इंसान को चोर बना देता है। प्रवचन दे रहा है? कमजोर आंकने की भूल मत कीजिएगा। कमर में बंदूक लटकाए हैं, बहुत रुआब दिखा रहे हैं। अच्छा, ले निकाल दिया पिस्तौल। बहुत चर्बी चढ़ गया है, हाथ उठाएगा मार मार के चमड़ी निकालेंगे, फिर थाना में डालेंगे, फिर दरोगा नहीं दोगला बनेगा। अच्छा हुआ जो खुद ही बेल्ट उतार दिए। अब हम तुमको बताते हैं तुम्हारी औकात। पब्लिक सर्वेंट हो तुम, और हम है पब्लिक, मालिक है तुम्हारे, और मालिक पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है अभी दिखाते हैं तुमको। अपनी आत्मा से पूछ कि तू दरोगा है कि दोगला। हरामी के बदन पे तो कपड़ा भी अच्छा नहीं लगता, वर्दी तो वतन की शान होती है, जो दिल में ईमान रखने वालों के बदन पे शोभा देती है, तेरे जैसे बेईमान के नहीं। Yes!
आप तैयार रखिए, हम मास्टर जी को बता के अभी आते हैं। राम लोटन दरोगा बन गए मास्टर जी, राम लोटन। अबे गजारा, तेरे 15,000 रुपया साफ हो गए। क्या बकता है बे? क्या बकता है बे? अबे तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, पिट गए, मतलब कि राम लोटन बाबू दरोगा बन गए, समझे मास्टर चाचा? राम बन गए मास्टर जी। ए मास्टर जी, मास्टर जी। अरे बद्री, काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा? मास्टर साहब मुबारक हो, काहे कि आपका बेटा रामलोटन दरोगा हो गया है। हा? तू सच कह रहा है? हम अपन दोनों आँख से देखे हैं मास्टर जी। अरे सुने ना। अरे काहे जी, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे तुम्हारे पूजा पाठ का फल मिल गया। कहा हुआ? अरे बेटा थानेदार बन गया। सच? बिल्कुल सच। तो कहा है जी? बस आ ही रहा है। आ रहा है यहाँ। सुनिए ना, उसको यहाँ में रोकिएगा। ठीक है, हम आरती का सामान लेके आते हैं। उसका आरती ना उतारेंगे? हाँ जल्दी आना। सब चुप चुप। बबुआ भयो गोतवाल, अब डर काहे का? बबुआ भयो गोतवाल, अब डर काहे का? काहे का डर, काहे का डर, काहे का? काहे का डर, काहे का डर, काहे का? देख सबके, देख सबके बदल गई चाल, अब डर काहे का? मोरा बबुआ भयो गोतवाल, अब डर काहे का? अब नाही इसको चिढ़ाएगा कोई, सट्टा ना इस पर लगाएगा कोई। ओ, अब नाही इसको चिढ़ाएगा कोई, सट्टा ना इस पर लगाएगा कोई। भयो गाँव आके पूरा खुशहाल, अब डर काहे का? भयो गाँव आज पूरा खुशहाल, अब डर काहे का? दिन वापस लगती है।
अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। हमको लिए बाबू की जिम्मेदार, तुमको बने हो वतन के पुजारी। आए ड्यूटी सरकारी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। तुम तो हमसे भारी नमस्कार साहेब, अपना दूंगा गाड़ी नमस्कार साहेब। इनका देखो, ये है हमारे थाने के दबंग थानेदार। चोरी करना पाप है, रंजीत सिंह हमारा बाप है। एक लौंडे ने रिवॉल्वर छीन लिया, चले आए मोहल्ला का मदद मांगने के लिए। क्या कीमत है आपकी बिना रिवॉल्वर और वर्दी के? समझते हैं सर, दिलवा दीजिए, नहीं तो सस्पेंशन लेटर निकलेगा। निकलने दीजिए, अच्छा है, तभी ना पता चलेगा कि आटा और दाल का भाव क्या होता है। सस्पेंशन लेटर निकल जाएगा। चलो ठीक है, दिलवा देंगे। और अगर हमने दिलवा दिया तो क्या करेंगे आप हमारे लिए? अब तक जो करते रहे हैं सर, आगे भी करेंगे। तो बनाइए, पैक बनाइए दारू का। अरे भाई मुंह का देख रहे, बनाइए। चलिए। खोलो मुंह, खोलो। बहुत महंगी शराब है, तुम्हारे एक महीने की पगार से कहीं ज्यादा महंगी। खोलो, पियो। गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। गिरा दिया ना, बर्बाद कर दिया दारू, आए बर्बाद कर दिया ना। विधायक जी, सलामत। बहुत करंट था तुम्हारे पिछवाड़े में, वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे तुम। कहां गई तेरी वर्दी की गर्मी? गर्मी कई है तो गर्मी आ भी जाएगी विधायक जी, आज नहीं तो 4 महीना के बाद। और हाँ, घर का कंबल ठीक करवा लेना, इस बार का सर्दी बहुत भयानक आएगी। ये कहाँ बोला रे? मालूम नहीं सर। तो मालूम कर, मालूम कर साला उसका रिवॉल्वर किसने छीना। कुछ भी हो, आदमी तो हमारा है। मिले नहीं बेटा के नौकरिया हो राम, दिन न पलटी बने क्या तुमने सरकारी आदमी पे हाथ उठा दिया? अरे जानता भी है कि कितना बड़ा अपराध है। जानता हूं बाबूजी, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आत्मरक्षा में उस पे हाथ उठाया। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसकी वर्दी और गन वापस कर दूंगा, और वो जो भी सजा देगा मैं उसे भुगत लूंगा। बहुत करंट था तुम्हें पिछवाड़े में, वर्दी शरीर पर थी तो बहुत चल रहे थे। कहां गई तेरी वर्दी की गर्मी? रामधनी बाबू जी सर, जिसका कारण आपको अपना ही थूका हुआ थूक चाटना पड़े तो क्या करना चाहिए? सरकार, इस डंडवा नीचे से डालना चाहिए और ऊपर से निकाल लेना चाहिए। तो छापा मारिए, पकड़िए, कहीं से भी पकड़िए उस मस्तरवा के बेटा को। नीचे से डालेंगे और ऊपर से निकालेंगे। सरकार,
छापा मारने की कोनो जरूरत नहीं है, वो तो अंदरवा बैठा है। उसका इतना हिम्मत? हिम्मत तो आप देख चुके हैं दरोगा जी। रामधनी जी सर, गिरधारी पकड़ो इसका, उल्टा लटकाओ। आज इसका पूरा हिम्मत इसका पिछवाड़े से निकालते हैं। डरा रहे हैं दरोगा जी? डरते तो यहां नहीं आते, आप में तो पता नहीं, लेकिन मुझ में अभी शराफत बाकी है। मुझे पता है कि अगर आपकी रिवाल्वर नहीं मिली तो आपकी नौकरी जा सकती है, इसलिए लौटाने आए हैं। आपकी वर्दी धुलवा के लाए हैं, यह रही आपकी कैप और ये आपकी रिवाल्वर। अब चाहे तो अंदर कीजिए और चाहे तो गोली मार दीजिए। अगर आपका कानून इजाजत देता है तो चलाइए गोली। क्या हुआ, हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? शायद आपको शपथ याद आ गई जो आपने वर्दी धारण करते वक्त ली थी। वर्दी की गरिमा को पहचानिए, जिस वर्दी ने आपको इतना सम्मान दिलाया है। सम्मान नहीं, अपमान। दम घुटता है इस वर्दी का भीतर। जब शपथ लिए थे तो सोचे थे कि अपना ड्यूटी पूरा ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, कभी गली से गुंडागर्दी मिटाएंगे, लेकिन हमारे सीनियर ने कभी हमें कामे नहीं करने दिया। जिसको भी पकड़ो चले आते हैं, नेताओं का दलाल बन गए। शहर का हर गुंडा या तो किसी नेता का नाचायज औलाद है या उसकी मां किसी नेता का रख है। पिघलता लोहा है हीरा नहीं दरोगा जी, और शेर वर्दी वाले के टोपी में होता है, मगर आजकल खादी वालों का धोती में होता है। खादी वाले खाकी वालों को लौंडा बना के नचाते हैं। तो नाचते रहिए इसी तरह। और सब समाचार ठीक है? जी जी, ये तो सरकारी लेटर लग रहा है। मास्टर जी सरकारी ही है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे बेटा जरा देख तो ये लेटर में क्या लिखा है। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या हुआ बाबूजी? हमारा सिलेक्शन हो गया बाबूजी, ट्रेनिंग के लिए जाना। अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया हो गया रे, भगवान ने हम सब की तमन्ना पूरा कर दिया। अरे सुनैना, अरे देख अपना बेटा दरोगा बन गया रे, दरोगा बन गया। चल बेटा चल। वेलकम टू कल्याणपुर थाना सर।
आपने हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बहुत अच्छे से बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये तो हमारी ड्यूटी थी सर, हमने तो अपना फर्ज निभाया। बाकी काम तो एसपी साहब की है, उनको आपका तेवर बहुत प्रभावित किया। हम तो बस इसी बात से खुश हैं सर कि जीवन में पहला बार कुछ अच्छा काम किए, और उस अच्छे कार्य के लिए हम आपको सलूट करते हैं। सर विराजिए सर, आज तो बैठ ही लेते हैं लेकिन कल से काम शुरू। जी सर। कस्बा से तमाम गुंडागर्दी चोरी डकैती खत्म करनी है और आपको उसमें हमारा साथ देना होगा। जान लड़ा देंगे सर। अरे छट्टू महाराज का हफ्ता कहने पहुंचा है? साहब पैसा नहीं है, अभी आएगा तो पहुंचा दूंगा। अब तो तेरा बाप भी देगा। बहुत दिमाग पड़ गया है, पहुंचा दूंगा, खोपड़ी उड़ा दूंगा। समझा? चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। क्या तुम्हें होता नहीं है, क्या तुम्हें होता नहीं है, मेरी नजर पे एतबार। अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार, अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। खुशबू गुलशन में तुम्हीं से और चमन में ताजगी, हर अदा तेरी जहां को देती है दीवानगी। हुस्न तेरा एक नशा है, हुस्न तेरा एक नशा है, करता जो दिल बेकरार। अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार,
अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। अपना चेहरा आईने में देखती क्यों बार बार। जय माँ काली। कहाँ है रे नया दरोगा, बुला उसको, हम भी देखे कि उसका खून हमारा मूत से भी ज्यादा गर्म है क्या। मौसम बदल गया है छट्टू महाराज, थाने को मंदिर समझ के माथा टेकिए। मूतखाना समझने का गलती करेंगे तो मूत के जगह से खून निकलेगा। खून तो हम बहाएंगे तुम सबका। आओ सूरमा, आज हम तुमको बताएंगे कि हम कितने बड़े सूरमा हैं। सुरमा तो तुम्हारा आज हम बनाएंगे छट्टू महाराज, और वो सुरमा तुम्हारे पिछवाड़े लगाएंगे। अगर तुम्हारा इसी अकड़ से एक एक करके यहाँ हर पुलिस वाला मरेगा। होशियारी ना, क्या चाहते हो उनसे? ये हुई ना बात, सब पुलिस वाला को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम हमारा जूता को अपना जीभ से चाटोगे। मंजूर है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे सर, आप हमारी जान की परवाह मत करिए सर। आप पर हमें अभिमान है सर, इस जन्म में क्या, हर जन्म में आप जैसे साहब के लिए हम लोग मरने को तैयार हैं। हम अपने अभिमान के लिए
तुम सबकी जान की आहुति नहीं दे सकते रामधनी। लोटन पांडे नाम है हमारा। छठू महाराज शायद तुमको किसी ने बताया नहीं कि हम मजाक मजाक में बहुत मार मारते हैं। थाने के अंदर गुंडागर्दी करोगे तुम। छठू महाराज, जो नेता मंत्री तुम्हारे घर में पानी भरते हैं, उनके भी दिल में हम डर बन के रहते हैं, और इसीलिए लोग हमें वर्दी वाला गुंडा कहते हैं। के गिरेवान पे नहीं बल्कि एक जहरीले नाक के बिल में उंगली डाला है। अब मैं तेरे मां के परवाने पे कैसे दस्तखत करता हूं ये तू देखेगा। तू पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और ये दिन में सपने देखना बंद करो, क्योंकि अभी तो सिर्फ उंगली डाला है, अब डंडा डालूंगा। और जब तक तू तिहाड़ जेल से सजा काट के बाहर आएगा, तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे। मेरे मौत के परवाने पे दस्तखत करना तो दूर, पकड़ के मूतने लायक नहीं रहेगा। ओए जादा उछल बात छट्टू महाराज को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख करोगा, देख तूने हमारी ताकत को नहीं पहचाना। अब ये लोग तेरा और तेरे इस पुलिस स्टेशन का क्या हाल करेंगे ये तो देख देख। अब तू छट्टू महाराज को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छट्टू महाराज को छोड़ दो, छट्टू महाराज को छोड़ दो, छट्टू महाराज को। अगर महाराज जी को नहीं छोड़े तो हम ये पुलिस स्टेशन फूंक देंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन फूंक देंगे, गुंडागर्दी करेंगे आप लोग, तो भैया शायद आपको ये बात पता नहीं है कि अगर अपने पे आ जाए तो साला पुलिस से बड़ा गुंडा कौन है। नहीं पता, दिखाते हैं। रंजीत सिंह जी, सर ये थाना फूकेंगे। बूझ रहे हैं सर। जरा लगाइए तो इस चोरकट के खोपड़ी पे निशाना। लगाते हैं सर। हाँ मारिए मारिए, हम मौत से नहीं डरते। नहीं नहीं, आप लोग कहां डरेंगे महाराज, डरते तो हम लोग हैं, आप लोग तो बहादुर आदमी हैं। रामधनी जी के धारी जी। यस सर। कितना इनकाउंटर किए हैं आप लोग? एक कोगो नहीं सर। तो एक काम करिए। यस सर। लगे हाथ आप लोग भी हाथ साफ कर लीजिए। ठीक है सर। लगा लीजिए निशाना। एक एक को मारेंगे सर। लग गया? यस सर। यस सर। रेडी हैं? मरेंगे ना। फायर।
खाना भूकेंगे। अरे महाराज, अभी तो हवाई फायर था, असली फायर तो अब होगा। अब नहीं फूकेंगे था। इस साला थाना में मुद दिया। बताइए, थाना भोगने आए थे, साले थाना में मुद के चले गए। क्या चट्टू महाराज, यही थे तुम्हारे आदमी? एक गोली की आवाज सुन के सब साले हग मुद दिए। दरोगा, ज्यादा खुश मत हो, अपना जीत पे ज्यादा खुश मत हो, कहे कि और भी है तुम्हारे पाप जो ऊपर बैठे हैं हमारे समर्थन में, जिन्हें चड्डी धोने का पैसा भी छट्टू महाराज देता है। देख देख दरोगा, देख। लगता है तुम्हारे बाप लोग आ गए, इनकी भी चड्डी उतारता हूं। को पता है किसको पकड़ा है तुमने? जानते हो इनके बारे में? नहीं सर, बता देंगे तो एफआईआर लिखने में सहूलियत होगी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे? इनके एक चीख से पट्टा कांपता है और दिल्ली हिलती है। सियासत की बागडोर हीजड़ों के हाथ में है क्या सर, जो कल्याणपुर का एक अदना सा भड़ुआ पटना को कपाता है और दिल्ली को हिलाता है? जुबान को लगाम दो रामलोटन। आप भी थोड़ी आवाज नीचे करके बात कीजिए। जिस आदमी की सिफारिश लेके आप आए हैं वो आपके लिए तोप होगा। मेरे थाने का मुजरिम है वो। कहना क्या चाहते हो? कहावतें कमजोर कहते हैं सर, हम बताते हैं। थाने पे हमला करके दंगे का माहौल बनाने वाला छट्टू महाराज मुजरिम है। मेरे आंखों के सामने एक पुलिस वाले को गोली मारा, दंगे का माहौल बनाया, सिर्फ एफआईआर ही दर्ज नहीं किया है हमने, इसके पूरे अपराध की किताब है मेरे पास, जिसे पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी, पन्ने खत्म नहीं होंगे। मैं कहता हूं महाराज को छोड़ दो। तो आप छोड़ दीजिए, अगर संविधान आपको अनुमति देता है। हम तो यहां थानेदारी करने के लिए आए हैं, दलाली नहीं। रामलोटन पांडे, हम यहां कानून सीखने नहीं आए, कानून सिखाने आए हैं। छट्टू महाराज को छोड़ दो, नहीं तो हम अगर अपना पावर दिखाएंगे तो सड़क पर नंगा होकर घूमोगे। रामधनी। यस सर। डीएसपी साहब के लिए अच्छी चाय मंगाओ और विधायक साहब के लिए हल्दी दूध का इंतजाम करो। हल्दी दूध सर? हाँ, विधायक जी खादी का पावर दिखाने में खाकी पे हाथ डाल दिए, अब थुकाई के बाद इनको हल्दी दूध की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। टिंगल चल रहा है, कॉमेडी चल रही है, हैं? क्या हो रहा है, मजाक कर रहे हो हमसे? तुम रंडी नाच हो रहा है? मजाक नहीं करते हैं सर, मजाक मजाक में हम बहुत मारते हैं। अच्छा डायलॉग मारा, बहुत अच्छा। लगता है तू सिनेमा बहुत देखता है। क्या समझता है रे तू अपने आप को? सलमान खान, अजय देवगन, कहा है तू? इसमें समझने की क्या बात है सर, यूपी बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ के सिंघम, दबंग और बॉडीगार्ड हम ही हैं। लगता है आप फिल्म नहीं देखते, इसलिए आपको नहीं पता, समय नहीं मिलता होगा ना? कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको फिल्म। हमारी आंख में देखिए सर, सिंघम दिखेगा सर, इधर सिंघम दिखेगा। आली रे आली, अतम माझी पारी आली, अतम माझी सटकली। तू विधायक पे
हाथ उठाया रे? गुंडागर्दी करता है? अरे महाराज, एसपी साहब, अरे कैसा कैसा गुंडा को वर्दी दे रखा है भाई? क्यों? आप लोग गुंडों को टिकट दे सकते हैं, ये लोग गुंडों को वर्दी नहीं दे सकते? अच्छा है, अभी तो आपने सिंघम देखा, बॉडीगार्ड देखिए। रामधनी। यस सर। जरा बॉडीगार्ड वाला गाना गाओ तो। ठीक है सर। आया रे आया बॉडीगार्ड, आया रे आया बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड रिपोर्टिंग सर। हम तुमको इतना मारेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आए तो इधर ही से थे, अब भागे किधर? नहीं सुनाई दे रहा है? चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो अब आपको सलमान खान दिखाते हैं, दिखाई देगा। थाने के अंदर 12 मिनट में तुझको कानून सिखाएंगे रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ओ 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 ओ। पानी पानी। रामधनी। यस सर। पानी लाओ। हाँ लाओ सर। पिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ। लीजिए पानी सर। लीजिए पीजिए। विधायक जी, ये हिंदुस्तानी पानी है, तुम्हारा विदेशी दारू नहीं। पियो 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 पियो। गिरना नहीं चाहिए। अगर जमीन पर गिरा तो पानी पिला पिला के मारूंगा। पानी नहीं, पानी नहीं। नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। एक काम कीजिए, इनको भी छठू महाराज के बगल में लटकाइए, और जितना धारा छठू महाराज के ऊपर लगा है सर, आधा इनके ऊपर बांट दीजिए। ओके सर। उनका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए सर। ठीक है। ठीक है सर। गिरधारी। यस सर। लटकाओ जरा इन्हें। चलिए। हेलो जी सर। सर हम अभी आ रहे हैं। अरे छोड़ सीएम साहब का फोन आओ, जरा सीएम साहब का फोन है, मीटिंग में जा रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए। हाँ। अभी तो आप सर जरा होल्ड डाउन सर। अभी तो हमारे गुरु जी वाला आप देखे ही नहीं। अच्छा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है रामलोटन पांडे। हो गया, अब बाकी जितना हीरो का है इनको दिखाइए। आया सर, अभी बस जस्ट आ रहा हूँ सर। हाँ सर, पहुंच रहा हूँ सर। सही कह रहा था विधायक, गलती से आप लोगों ने एक गुंडे को वर्दी दे दी है, और जब तक मेरे बदन पे वर्दी है मैं यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। और हाँ, आज के बाद मेरे काम में दखल अंदाजी करने मत आइएगा। अब आप जा सकते हैं। वेल डन, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। अरे बाप रे बाप, साला मार मार के हमारा गाल के पराठा बना दिया है। इतना मार साला पब्लिक में खाए होते तो विधायक जी से सीधे सांसद जी बन गए होते। बाप रे बाप। अरे भगवान। और तेल लगाइए छट्टू महाराज को, खुद तो खाया और आपको भी खिलवाया। हम पूर्वक नहीं हूं, लतखोर नहीं है हम, मार खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। तीन तीन बार विधायक बने हैं उसके बल पर, पब्लिक का सपोर्ट है उसके पास। अरे देख लिए उसका सपोर्ट, सेना लेकर गए थे थाने में, धूम दबाकर भाग आए। अरे उससे ज्यादा सपोर्ट तो हमारे पास में है, तो कुछ करिए। सपोर्ट है तो कुछ करिए, और नहीं करेंगे तो सुनामी की लहर की तरह बहा कर ले जाएगा हम सबको। ठीक करते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है। लीजिए। कौन सा शर्त है भाई आपका? पहला नाम जगन पहलवान का आवे चाहिए, ये छट्टू मट्टू का नहीं। हे महाराज, आप क्या है, क्या है आप? पजामा है कि आदमी है? आए? एक बार कह दिया तो क्या करे, अब स्टाम्प पैड पे मुहर लगा के दे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे लटकाते हैं ये राम लोटन को। गिरधारी। यस सर। स्टेशन का ध्यान रखना। ओके सर। सर, ये
मार मार के सब तो तोड़ दिए हैं, फिर थाने काहे को बुलवाए हैं? ये बताने के लिए बुलाए हैं कि तुम लोग का बाप तो बेटा गया बारह के भाव में, अब तुम लोग भी सुधर जाओ नहीं तो एक एक करके साले सबको ठोंक देंगे हम। तो हम क्या करें साहब, रास्ता में भीख मांगी कि मंदिर में पुजारी बन जाएं? न तुमको मंदिर में साधु बनने को कह रहे हैं और न रोड पे भीख मांगने को कह रहे हैं। रोजगार करो और वो भी ईमानदारी से। पैसा कहां से आएगा? अगर ईमानदारी से तुम लोग रोजगार करने का वादा करो तो पैसा का व्यवस्था हम करा के देंगे। लेकिन याद रखो, विश्वास कर रहे हैं, अगर विश्वासघात किए तो एक एक जन को ठोंक देंगे, किसी को इनकाउंटर में तो किसी को मुठभेड़ में। अब कहा भाई काबे, सच कर रहे हैं कि खाली सपने दिखा के चले गए? अब जवान भी हो, देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क है। सर, यह है हमारी धर्म पत्नी जो पिछले साल बीमारी की भेंट चढ़ गई, पर सरकारी अफसर इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा पाया। आओ बेटा बैठो। और अब तो ऐसा लगता है कि पेटी की डोली उठेगी भी नहीं। कहा करते सर, 8 लाख रुपया में बाबूजी ने यह वर्दी खरीद कर पहनाया था। कर्जे का बोझ ने बाबूजी का गर्दन दबा दिया और उस समय से पहले ही परलोक से धार गए और मैं खड़ा विभस देखता रहा। बहन का ब्याह का चिंता, कर्जदारों का दबाव और सिस्टम के कमीनेपन ने रंजीत सिंह को ईमानदार से बेईमान बना दिया। सर, हम समझते हैं आपकी परेशानी, हम समझते हैं ईमानदारी में तकलीफ होती है लेकिन उसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। पर ईमानदारी से बहन का घर भी तो नहीं बसेगा सर? बसेगा। अब इस बहन के एक नहीं दो भाई हैं और मेरी प्यारी बहन की डोली इतनी धूमधाम से उठेगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। बेटा। हाँ माँ। अभी तक तो मैं तुम्हरे मुँह से सुना करती थी पर आज एकदम यकीन हो गया। क्या माँ? ये तो एकदम इंसान के रूप में भगवान है। अबे साले, मरने का विचार है क्या? नहीं साहब, जीने की ललसा लेके आए हैं बस, कृपा कीजिए। कैसी कृपा रे? जोग सिंह के साथ रह के हम बहुत अपराध किए हैं, सुने हैं कि आप गलत लोगों को सही राह दिखा रहे हैं तो हम भी सुधरने के लिए आए हैं। सोच ले, गलती किया तो? माई कसम, गर्दन काट लीजिएगा। ठीक है, थाने जाके रंजीत बाबू के यहाँ अपना नाम लिखवा लेना। ठीक है साहब, प्रणाम। चल हट। हर जगह ऐसा साहब आ जाए तो राम राज हो जाएगा। हे भगवान। लाइए सर, हम खड़ी कर देते हैं। सर, एक औरत के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। रिपोर्ट लिखाया? कार्रवाई चाहती है, रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती। अच्छा, तो आप हैं? जी। देखिए, आप रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तो कार्रवाई कैसे होगी? अरे जैसे होता है साहब, अब हम आपको का बताएं? वो हमको ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया है ना कि अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो बड़ा बदनामी होगा। एड्रेस पता मालूम है उसका? हाँ, मालूम है। चलिए बताते हैं। चलिए देखते हैं, आइए।
दबा के बाहर जाता है। अरे साहब, आजकल गुंडा मवाली ना आपके डर से सब कस्बे का बाहर रहने लगे हैं। हाँ वो तो है, चलो देखते हैं। क्या मजाक है, चलो उतरो उतरो। अच्छा तो हम उतरूं? और नहीं तो क्या। ठीक है तो अब तुम जाओ। अरे अरे सुनो, अरे ए! जान समझता हूँ तुझको, क्यों दिल तेरा समझे ना। जब दिल चाहे तेरा सनम, अपने रंग में रंग लेना। चाहे दुनिया बदल जाए, प्यार का मौसम बदले ना। करो भरोसा तुम हम पे, हो मैं तेरा सजना। वर्दी सरकारी है, जान से प्यारी है, कसम से कहता हूँ जान तू हमारी है। बात कह दूंगा जाके बीच बाजार में, मेरे जैसा दूजा ना मिलेगा संसार में। मेरे जैसी दूजी ना मिलेगी संसार में, ओ मेरे जैसा दूजा ना मिलेगा संसार में। अरे हमरा खुन्नस हमरे साली पे काहे निकाल रहा है, उसे कुछ हो गया तो मुंह कैसे दिखाएंगे। पता नहीं कहा रखा है इनके मुंह में जो लोग देखेंगे। ए, ये बर्दी ग्रुप हमको नहीं दिखाना, कह देते हैं हम। आज के बाद नहीं मिलोगे हमरी सोनल से। अरे जीजा जी, संभाल के। रोकना है तो हमको रोकिए ना, काहे कि हमरा दिल उन पे आया है, उनका नहीं। पागल मत बन, वर्दी के रूप में जाने कितने लोगों को दुश्मन बना लिया है, कब मरेगा पता नहीं चलेगा। मौगा के सुहागन बने से तो अच्छा है कि हम मर्द के विधवा बनू।
इसे अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। दीदी, जीजा जी, अंदर तो हम जाइबे करेंगे, लेकिन तनी दो मिनट दे दीजिए, पाड़े जी से बतिया ले। एहो पाड़े जी, जब से ये वर्दी पहन के लोगों को ठोकना शुरू की हो ना, हमारा दिल करता है कि आपको ठोको चंद बुलाए। तो बुलाओ ना, मना किसने किया? मगर एगो शर्त पर, हमको जो कोई भी गोली मारा है ना, उसको ऐसा ठोकना कि वो बंदूक पकड़ना तो दूर, देखना भी भूल जाए। हाँ। चिंता मत करो, देखो तुम्हारा ठोकू चंद कैसे सालों की ठुकाई करता है। जीजा जी, अब चलो अंदर। ये गन्ना सिंह कौन है? ये दूध माफिया है, पूरा इलाका में नकली दूध और खोआ का सप्लाई करता है। ये गोली चलवा सकता है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये जगन कौन है? ई इस इलाके का सबसे घात क्रिमिनल है, ई गोली चलवा सकता है। प्रणाम सर। कारे गोरखा, गोलीकांड का कुछ पता लगाया? पता तो चल गया, लेकिन हमारे जान का खतरा है सर। तुम्हारे जान की जिम्मेदारी हमारी है, नाम बोलो। जगन का आदमी छोटू सिंह। कहाँ मिलेगा? बोल रहे तो इस तरह से हड्डी तोड़ते रहेंगे। बोल, बताओ साहब पे गोली कहाँ लगाया? बताओ, अरे रुकिए, छोड़ दीजिए, इधर आइए। देखिए ये लोग मार मार के आपको खराब कर देंगे, इसलिए बता दीजिए क्यों चलाए थे हमारे ऊपर गोली। साहब, चिड़िया मार रहे थे, गलती से गोली लग गई साहब। अच्छा, चिड़िया मार रहे थे? ओ, अरे भैया ये चिड़िया मार रहे थे, कहाँ पीट रहे हैं इनको आप लोग? तो एक बात बताइए। बोलिए। पुड़िया खाते हैं? हाँ साहब, कभी कभी। अच्छा, तो पुड़िया खाना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि पुड़िया खाने से मुँह का कैंसर होता है। तो रामधनी जी। यस सर। जरा इनके माथे पे पुड़िया चिपकाइए। तो ठीक है सर। ये चिड़िया मार रहे थे तो हम भी पुड़िया को मारें। ठीक है साहब, चिपकाइए। ए हाँ, चिपका दीजिए अच्छी तरह, घबराइए मत। आप चिड़िया को मार रहे थे ना, हम पुड़िया को मारें। बस बस बस, पकड़ लीजिए जरा पीछे से इनको। नहीं, हाँ पकड़ के रखिए। बताता हूँ। अच्छा, बताएंगे? हाँ साहब, बताते हैं। बताइए। बताते हैं। जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। हाँ साहब। अच्छा, ठीक है, छोड़ रहे हैं, आज के बाद फिर पुड़िया मत खाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है। उतार दो इसको। अरे जरा जल्दी जल्दी करो भाई, यूरिया वाला दूध नहीं बना, साबुन का बनाना है, टैंकर खड़ा है, शहर भेजना है ना माल, जल्दी करो। क्या गल हुआ? का साहब, क्या कर रहा है बे? तो गन्ना सिंह तुम ही हो? परिचय बताए का? छोटुआ को गोली का है मारी? कौन छोटू? ज्यादा भोला बनने का जरूरत नहीं है, वही छोटू जिसको पैसा देकर तुमने साहब पर गोली चलवाया। कौन छोटू? हम कौनों को पैसा वैसा नहीं दिए और कौनों पे गोली नहीं चलवाए। चला जा यहाँ से, नहीं तो यही पे ठोक दूंगा। अरे भैया, ठोकने तो हम आए हैं, परिचय बताएं। बाप तुम्हारे एक को जिसका रोमा नहीं उखाड़े, नाम रामलोटन पाड़े। रामलोटन पाड़े? हाँ। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। अबे तो खाली बोलेगा कि मारेगा भी? आगे मत बढ़, नहीं तो गोली मार दूंगा। मारिए मारिए। गोली मारूंगा? आप मारे ना छोटुआ को गोली। साला, तुम लोग हमको फंसा दिया। नाम रामलोटन पाड़े।
उठो उठो उठो। अरे अरे अरे, अरे देखो भाग रहा है। आओ आओ तुम लोग आओ आओ। नाम सुने हो हमारा? जी साहब। क्या नाम है? राम लोटन पाड़े। हाँ, और कारनामा के बारे में? देख लिए सरकार। देख लिए ना? तो देखो भैया, हमको गोली मारने में टाइम नहीं लगता। क्या रंजीत जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो तुम लोगों के पास भैया 3 मिनट है। अगर 3 मिनट में गन्ना सिंह को तुम लोग पकड़ के लाए तो ठीक, नहीं तो भैया एक एक को 3-3 गोली मारेंगे। समझ गए? अब अगर समझ गए हो तो खड़े क्यों? कहाँ चला गया? अरे हम यहाँ हैं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भाग गए। अरे इंस्पेक्टर ने बड़ा सन किया है, बार बार पे गोली मारता है। अरे वो गया कि नहीं गया? अरे हम भागे कहाँ, हम तो आपको पकड़ने आए हैं सरकार। हमको पकड़ने आए? अरे सारे पकड़ा गए होगा, मारूंगा सारे तुम लोगों को। अरे वो हमको गोली मार देगा। अरे हमारा आदमी होके साला हमारा खाके हम ही को पकड़ोगे? अरे काहे समय बर्बाद कर रहा है, 2 मिनट तो ऐसे ही हो गया, 3 मिनट का समय दिया है, चलो पकड़ो। अरे छोड़ दो मेरे, तो गोली मार देगा मेरे को। अरे छोड़ दो मैं। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मैं, अबे छोड़ दो मैं, अरे मैं गोली मार देगा। देखिए रंजीत जी ले आया। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे हमारा आदमी हो क्या, मेरे को बता रहे हो? लाइए लाइए, उतारिए उतारिए। अरे वो लोग को कहे डांट रहे हैं, वो लोग का गलती नहीं है, ये वर्दी वाला गुंडा का डर है। एकदम टाइम पे लाया है लोग। रंजीत जी जी सर, एक को सेकंड लेट नहीं किया है। चलो भाई तुम लोग अच्छा काम किए हो, चलो तुम लोग निकलो। और गन्ना सिंह जी क्या है इसमें? दूध। अच्छा, सुनते हैं आप नकली दूध बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं असली है। असली है? हाँ। तो जरा पी के दिखाइए। पीजिए पीजिए, आप ही का है। क्या हुआ? पीजिए पीजिए। नकली है, नकली 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 है। रंजीत जी सर, नोट कीजिए, नकली दूध बनाते हैं। नोट किए सर। अच्छा, वो सब का टंगा है? मक्खन। वो भी असली होगा। आइए। तो एक बार और सोच लीजिए, असली है ना? हाँ असली है। अच्छा असली है। रंजीत सिंह जी, थोड़ा इनको खिलाना पड़ेगा। लाते हैं सर। नहीं नहीं, नकली है, नकली 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 है। तो बताइए कहाँ ये सब नकली चीज बनाते हैं? गलत बात। तो नकली है तो इसको गिराना पड़ेगा। गिरा दीजिए गिरा दीजिए। अच्छा देखिए, बनाए ही हैं, गिराएंगे हम। बेटा बनाए तुम हो तो गिराना भी तुमको ही पड़ेगा। कैसे गिराओगे पता है? आ जाओ। कहाँ भाग रहे हैं? आइए 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 आइए, और भी कुछ बनाते हैं? हम कुछ नहीं बनाते, हम कुछ नहीं बनाते। और कुछ नहीं बनाते? कुछ नहीं बनाते। रंजीत सिंह जी, यहाँ तो काफी ठोकाई हो गया सर, अब आपका थोड़ा ठोकाई अंदर हो, ठीक है? चलिए नवा के धो। अरे साहब साहब, अरे हम तो सिर्फ पैसे दिए थे, बोला तो जगन्नाथ ने था, अरे उसको काहे नहीं पकड़ते साहब? पकड़ेंगे, उको भी पकड़ेंगे और तेरे बाजू में बिठाएंगे। नकली दूध बनाने, जहरीला खोआ बनाने
पुलिस अफिसर के ऊपर हाथ उठाने और एक आदमी को गोली मारने के इल्जाम में तू तो गया बेटा, लंबे से गया। और ये हमरे बड़े साहब है ना, इतना दफा लगाएंगे कि जज भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पर सजा सुनाए और किस पर फांसी दे। हरि सिंह साहब, कोई तो आरिया लड़ाइए, जितना बोलेंगे उतना देंगे। साहब हमारी तरह घुसखोर नहीं है, बहुत ईमानदार और कड़क हैं। अरे भाई बाप, कुछ तो कीजिए भाई बाप, कुछ तो कीजिए। रुकिए, बतिया कर आते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलने के बाद अगर कहीं साहब का मुंडा फटका और अगर पड़ी तो सह लेना। साहब, इसका ऊपर कौन कौन सा धारा लगाए? क्षेत्र के चोर बदमाशों को रोजगार कराने में कितना खर्चा आएगा? 10-15 लाख। ले लो। काम बन गया समझो, जरा फनवा निकालो और अपने आदमी से कहो कि 15 लाख रुपया लेकर आए। का 15 लाख? कहाँ है, कम है का? तो 25 लाख कर दो। ईमानदार है तो इतना मांग रहे हैं, बीमार होते तो क्या करते? पूछ कर बताते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। जाने दीजिए जाने दीजिए, मैं फोन लगाता हूँ। अरे मगरुआ, मैं गन्ना सिंह बोल रहा हूँ। अरे कहाँ है बे? राम राम। जय माँ काली। अब समझ में आया के पंडू कौन और अंडू कौन? बोल के शर्मिंदा मत करो जगन। महाराज जी, बहुत दिनों से आपका और आप जिनका पकड़ के चलते थे ना, अब वो हमारा पकड़ के खड़े हैं। जय माँ काली। बोलो बोलो जगन, आज तुम्हारा वक्त है। कभी न कभी तो घूर के भी दिन बदलते ही है ना। अरे अरे, आप तो नाराज होने लगे। चलिए आपकी नाराजगी दूर किए देते हैं। है, जरा सा सेंटीमेंट है।
दरोगा कहीं तो देखने नहीं आया कि छट्टू महाराज बाहर कैसे आ गया, या फिर दर्द हो रहा है? तुम्हारा ही लगाया हुआ दफा, तुम्हारे ही पिछवाड़े घुसेड़ दिया। पिछवाड़े तो उसके घुसाएंगे जो तुमको बाहर निकाला है। वही तो देखने आए हैं कौन है तुम्हारा हिमायती। हम है इसके हिमायती जगन पहलवान। देखते हैं क्या उखाड़ लेते हो। हाँ साहब, जगन सिंह के कहने पर गन्ना सिंह ने पैसे दिए थे आपको मारने के लिए साहब। अच्छा, असलाह दिखा रहे तो लगे हाथ इसका लाइसेंस भी दिखा दे। इसको कहते हैं लाइसेंसी असलाह, और जब इसकी गोली खोपड़ी में घुसती है तो हमारी जबान में उसको एनकाउंटर कहते हैं। बहुत गलती की है पहलवान, छट्टू महाराज को बाहर निकाल के। गलती से तुमने हमारी गोली पे छट्टू महाराज की जगह अपना नाम लिख लिया। अब आज से हमारी गोली तुम्हारा पीछा करेगी। अभी तो ये नमूना था, ज्यादा फड़फड़ाओगे द एंड कर दे। मरेगा, जरूर मरेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल सही कहा गया है। जब इंसान का बुरा दिन आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। दीवाने पंडित आई नहीं तो तुम ही से शुरुआत करेंगे। ए जगन पहलवान, सही कहा गया है, एकदम सही कहा गया है कि साला पहलवान का बुद्धि उसका घुटना में होता है। जोश में होश मत गवाओ, नहीं तो क्रियाक्रम के लिए तुम्हारी लाश तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगी। जिस तरह एक मरे हुए कौवे को देखकर पूरे इलाके के कौओं की जमात इकट्ठा हो जाती है और कांव कांव करके पूरी खोपड़ी को नोच डालते हैं। अरे बैल बुद्धि विंध्याचल, हैं? एक मरे हुए पुलिस को देखकर हजारों पुलिस वाले तेरी खोपड़ी पर तांडव नृत्य करेंगे। हमारी बात तुमको समझ में आई? बुझाया कुछ? तका करे हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। अपमान की आग में जल रहा हूं, जब तक उसे हवन में भस्म न कर दूं, अग्नि को शांति नहीं मिलेगी। अपमान का बदला जरूर लेंगे, वो भी उस ससुरा के खोपड़ी में गोली मार के। नेताजी, पहलवान सही कह रहे हैं, अगर हम उसको गोली नहीं मारेंगे तो अगली बार हमको लात मारेगा। लात सरवा, हमारा आदमी को मार के हमारी को बता दिया और 15 लाख रुपया लेकर अब रंजितबा की बहन की शादी करवा रहा है। अरे हम छोड़ेंगे नहीं उस लोटनवा को। ठीक है, जैसी हरी इच्छा। आइए आइए बाबूजी, आप कैसे हैं बाबूजी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रणाम बाबूजी। खुश रहा, खुश रहा। बहुत बहुत मुबारक। प्रणाम चाची। खुश रहा बेटा। कैसे हैं मुखिया जी? बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। चाची सबको लेके अंदर जाइए। आइए, चला बैठते हैं भाई। बैठिए मुखिया जी। ला बेटा पानी वानी पिला। और कहिए जी। भैया लाया। प्रणाम प्रणाम। का दीदी, गोर लगता नहीं अम्मा? घर की होके इतना देर से आएंगी, कब से हम इंतजार कर रहे थे। तो हम क्या करें बताओ ना, ये जो मास्टर साहब है ना, उनको बुढ़ापे में श्रृंगार करने का शौक हुआ, लगे थे तैयार होने। चलिए चलिए, अंदर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। लड़की को पीढ़ा पे बैठा दिया ना। अरे अब आप आई हैं, अब बताएंगे तब ना हम बैठाएंगे। अच्छा भाई, चलो चलो चलो।
चलो वहाँ जाके बैठो। आइए आप मेरे पास आइए, आइए। अरे भाई कोई आरती को ले आओ, बैठिए आइए। इंतजाम तो नीमन की हो। लो आगे आओ। अरे भाई तुम लड़कियों के होते हुए ऐसा सुना सुना लगा रहेगा, नाच गाना नहीं होगा? अरे होगा ना। अरे उठो उठो, तैयार हो नाच गाना करने के लिए। सोनल के होते हुए अगर नाच गाना ना हुआ तो फिर क्या हुआ हा? और क्या, चल। सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे। धक धक करे जा हाय, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले। हमार बुढ़ऊ तो अबही जवान है। चुपके से सैया जी घर में आयो, अंधेरी रातों में मुहे चिहुकायो, आगे से बारिश करन लगा हमसे, सेज पर साफ साफ कहती मैं तुमसे, मैं के जाऊंगी जिया ललचे तोर रे, मैं के जाऊंगी जिया ललचे तोर रे। धक धक करे जा धक धक करे जा करन लागा मोर रे, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया बोले। छोड़ गई उरी रात सुतली सजरिया पे, छोड़ गई उरी रात सुतली सजरिया पे, छोड़ गई कांच कली से मुख मोड़ गई उरी, कांच कली से मुख मोड़ गई उरी, रात सुतली सजरिया पे छोड़ गई उरी, सपने से झरिया पे छोड़ दो। मैं के बात जब सुने है सावरिया, कहन लगे जाओ तुम नहीं हर नगरिया। तो तुमने क्या कहा? कोई असर ना हुआ मेरे ऊपर, तुम रख लो दूसर रखूं मैं भी दूसर, नहीं मैं करन लागा मोर रे, धक धक करे जा करन लागा मोर रे, सजिया पर सैया बोले मैं तो जानू चोर रे, सजिया पर सैया। बहुत बढ़िया मजा आ गई। अरे हम है ना, चिंता काहे को करते हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। अच्छा प्रणाम अम्मा जी। जीती रहो जीती रहो, खूब रंग जमाया, भगवान तुम्हें खूब सुंदर बर दे। अरे दीदी आप भी जा रही हैं, घर सुना सुना हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाती। अरे कोनो जरूरत पड़ेगा तब बुलवा लेना, अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा सुन, बेल्टी को हल्दी चढ़ गया है, अब उसको अकेले मत छोड़ना, एनी ओनी जाने मत देना, हमेशा साथे रखना, समझ रही है ना? ठीक है दीदी। अच्छा कुछ भी कहो मुखिया, अभी भी तुम जवान ही हो भाई।
आप जैसे लोगन का आशीर्वाद है। क्या बात करते हो यार। काजी बतियाते रहिएगा, घरे चलिएगा कि नहीं? अरे चलेंगे चलेंगे, काहे चिंता कर रही हो? तो अब चलिए। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो भाई। आप लोग आए। अरे बेटा किसी बात का चिंता मत करना, हम लोग हैं। नमस्ते जी। चलो प्रणाम 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 प्रणाम। बेटी आरती, आरती, रणवीर, बेटा, रंजीत। क्या हुआ माँ? तू इतनी घबराई कहाँ है? देखो ना, आरती अपने कमरे में नहीं है। क्या? सागर खोज लिए हैं। चलो चलो देखते हैं। हेलो। का रंजीत बाबू, बहन को खोज रहे हो? वो अब हमरे पास है। अब हमरी एगो बात ध्यान से सुनो। वहीं जहां तुम माथा टेकने आते थे। बेटा क्या हुआ, किसका फोन था? माँ, माँ क्या हुआ? आरती, आरती, आरती। क्या हुआ रंजीत जी? सर आरती को जगन के आदमी उठा ले गए सर। मौत को दावत दी है। नामदारी। यस सर। गिरधारी। ठीक है सर। जाओ साला, रेड मारना जगनवा गेट पे। आज इस हरामी को इस अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। सर सर, अगर हम लोग ये सब करेंगे तो आरती को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका शर्त का मुताबिक वो आरती को तभी छोड़ेगा जब मैं आपको निहत्था उसके पास पहुंचाऊंगा। चिंता मत कीजिए रंजीत जी, अगर उनके शर्त के हिसाब से मुझे निहत्था जाना पड़ेगा तो बहन की जान बचाने के लिए हम निहत्था जाएंगे उनके पास। निहत्था जाना बेवकूफी होगी सर। अगर इस बेवकूफी से बहन की जान बचती है तो हम ये बेवकूफी जरूर करेंगे रामधनी। पर हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे सर। इतने सालों की नौकरी में पहली बार कोई साहब हमको मिला जिन्होंने हम सबको काम करना सिखा दिया। चिंता मत करो रामधनी, हमारे बाद भी अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। आइए रंजीत जी। भगवान ना करे अगर कुछ अनर्थ हुआ तो हम आपके किस्से अपने बच्चों को सुनाएंगे, जिसे हथियार पर नहीं अपने हाथ पर भरोसा है। हे भगवान, हमारे साहब की रक्षा करना।
बिठाना तो मैं तेरे माँ बाप को चाहता था, लेकिन हाथ आई ये लड़की। मैं जानता था कि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करूंगा तो तू छटपटाएगा तू, और नतमस्तक होकर दया की भीख मांगने आएगा। राम लोटन पाड़े मजाक मजाक में बहुत मारते हैं, आज तो एकरा के नचा नचा के मारेंगे। देखो जगन पहलवान, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। वादा का मुताबिक अब तुम हमारी बहन को छोड़ दो। और ना छोड़ू तो? नहीं छोड़ोगे तो हम सिर्फ निहत्था है, ना मरद नहीं। हाय जगन, लड़की को छोड़ दो। या आओ ना आरती, खड़ी कहे हो, आ जाओ ना बहन। जा बहन, तुम हमारे जान की परवाह मत करो, घर जाओ। जा रंजीत बाबू। सर क्यों, कैसा लगा हमारा मजा? ये देख रिमोट अब हमारा हाथ में है, जब तक तू पिटता रहेगा तुम्हारी बहन की धड़कने चलती रहेंगी, धक 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 धक। देख इसे, देख इसी को हृदय से तेरे जिस्म को कुरेदने के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके काली माँ के चरणों में, काली माँ के चरणों में बलि देंगे। पांडे जी, अब मजाक मजाक में
बहुत मार देते हैं, और जब मजाक में नहीं मारते तो जान से मारते हैं। आरती पीछे घूमो, मैं तुम्हारा बम खोलता नमस्कार। एक मिनट। सीएम साहब का फोन, सच में देखिए ना। अच्छा, अरे दीजिए दीजिए। जय हिंद सर। नहीं सर, रामलोटन पांडे बोल रहे सर। सॉरी सर, विधायक जी तो दो गुटों के मुठभेड़ में मारे गए सर। ओके सर, थैंक यू। अरे ये क्या बोला तू, किधर मारा मैं, कौन मर गया? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, यहाँ तक गोली फैली कुछ लगी ही नहीं, कहाँ मरा हूँ यार? मरे नहीं है हाँ। तो अब मरेंगे। अरे यार राम लोटन भाई, मजाक मजाक में मारते हैं या पता चले कि यहाँ मारते हैं? सुनिए ना, हम राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं भैया, चले जाएंगे गांव, वहाँ जाके बढ़िया मस्त किराना की दुकान खोलेंगे, धनिया मर्चा बेचेंगे, लहसुन बेचेंगे भैया आपके जाए। लेकिन आप वहाँ भी दाढ़ी मारेंगे। अरे ना, फंड का पैसा विदेशी दवा, देसी दवा, ये देसी दवा। राम लोटन जी पल प्यूज हो गया। आरती पीछे घूम, और बम खोल, जल्दी खोल बम, आज इसका पाप का अंत करता हूं मैं। जल्दी कर आरती, जल्दी बांध इस कमीने के गले में बम। हमारी बहन को बम से उड़ाएगा कमीना कहीं का। अगर तुम्हें पता होता कि हम तुम्हारी मौत है तो तुम हमें निहत्था बुलाने की भी भूल नहीं करते। अरे पानी जी, हमरा के मत मारा। अरे हम तो छट्टू को हफ्ता देने आए थे। हाँ, तुम्हारा बाप है जो हफ्ता देने हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए पांडे जी, पांडे जी हमको माफ कर दीजिए, आपको माफ कर दीजिए। नहीं मारे, हमको माफ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे पांडे जी। जिंदा रहो, माफ कर दीजिए। साले तुम कितनों के बच्चों को अनाथ करोगे पांडे जी? पांडे राम लोटन। बलि चढ़ाओगे हमारी। चढ़ाओगे
खून से आज काली माँ का चौखट धोएंगे हम। देख झंडू महाराज, बिल्कुल निहत्थे हैं हम। निहत्था बुलाया था ना तुमने हमें? सिद्धि सेनानी भवानी है, अम्बिके है, आर्य उबारी है, दुस्तर की नाशिनी, काली खंग वाली कृष्ण कपिला कपालिनी, भवानी सर्व मंगल है, सत सत प्रकाशिनी है, तारिणी बरवानी है, भद्रकाली आपके चरणों में नमस्कार है, हमारा सहासिनी कृष्ण की बड़ी बहन हो, नंद कुल में जन्म ले, बहिष्कार पीने वाली काली बिंद वासिनी। प्रचंड मुंड खंडनी बनारणे प्रकाशिनी, गृह गृह निवासिनी, भजा में बिंदेवासिनी, बलि चढ़ेगी आज तेरी मौत ना टाले टली, काली के भक्त हम हैं साले, तू तो है महाछली, बलि 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 बलि, बकरे की चढ़ती है शेर की नहीं। धर्म की विजय हो और अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, अधर्म का हो नाशमा, बलि करो स्वीकार मां, स्वीकार मां, स्वीकार मां, जय मां काली। मत रो बहन, मत रो। चलो बहन आओ, धीरे रखो, रो मत। पाणी जी एगो बात बोले। बोलिए। हमको ना बहुत जोर से शादी लगा है। देखिए ना, मंडप भी तैयार है, लगे हाथ हम भी फेरा मार ही लेते हैं ना। अरे त्रिपाठी जी, हम भी तो कब से तैयार हैं। अपने जीजा जी से पूछिए, क्या वो इस वर्दी वाले गुंडा को अपना साढ़ू बनाएंगे? कमाल करते हो पाणे जी, अगर जीजा जी नहीं बनाएंगे ना तो हम बिन ब्याह भाग जाएंगे। हाँ। नहीं सहते हैं गुंडों से, कहते हैं याद रखो हम ही है राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे, राम लोटन पांडे। अरे चोरों से नफरत है